شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد रमजान मुबारक का आखिरी अशरा है। इसके अंदर जो खसूसी इबादत और रियाजत के काम होते हैं उनके अंदर एक इतकाफ है। इतकाफ के बारे में मसनून तरीका यह है कि 21वीं रात रमजान मुबारक की 21वीं रात जो रात है वो आदमी मस्जिद में गुजारे, सुबह की नमाज अदा करने के बाद अपने खैमे में इतकाफ गाह में दाखिल हो जाए। तो 21 का जो आगे दिन आएगा, दिन से पहले जो रात है वो 21वीं की रात होगी। उस रात को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद ये मस्जिद में रहना है, घर में नहीं जाना, इबादत और रियाजत में मसरूफ रहना है। सुबह की नमाज अदा करने के बाद फिर अपने इतकाफ गाह में दाखिल होना है और चांद नजर आने तक अपने इतकाफ गाह में रहना है। चांद 29 को नजर आए या 30 को नजर आए तो चांद देखकर फिर अपने खैमे से और अपने इतकाफ गाह से निकलना है। सबसे मसनून तरीका, बेहतरीन तरीका यही, जिस तरह सही बुखारी की दिसंबर 2033 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बयान किया गया। अलबत्ता अगर किसी आरजे की वजह से कोई ये पूरा अशरा इतकाफ नहीं कर सका, तो अगर उसको एक हफ्ते की गुंजाइश मिली है तो एक हफ्ते का भी इतकाफ किया जा सकता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक हफ्ते का इतकाफ किया करते थे। सही बिन खुज़ैमा किताब सौम 22/2222 में यह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का फेल मौजूद है, वो एक हफ्ते का वो इतकाफ किया करते थे। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन उनैस रजी अल्लाह तआला ने वो रमजान के 23वें का इतकाफ करते। जब वो 23वीं आनी है तो असर के बाद मस्जिद नबी में दाखिल हो जाते, 23 की रात मस्जिद में गुजारते, सुबह के नमाज बाद उनके बेटे की सवारी लाकर दरवाजे पर खड़े हो जाते और वो मस्जिद से निकलते और घर आ जाते। और वो सर ये एक रात का इतकाफ करते थे। ये अबू दाऊद के हदीस नंबर 1380 में अब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ियल्लाहु तआला का ये फेल मौजूद है। इसी तरह सही बुखारी किताब में इतकाफ हदीस नंबर 2032 में उमर रज़ियल्लाहु तआला का वाकया है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तज़किरा किया कि मैंने ज़माने जाहिलियत में नजर मानी थी एक रात हरम के अंदर इतकाफ करने का, तो मेरी नजर पूरी हो गई थी, काम पूरा हो गया था, तो मैं अपनी वो नजर मुकम्मल करना चाहता हूं। तो सवाल ये था कि वो ज़माने जाहिलियत की नजर आप पूरी कीजिए। आपने फरमाया कि हाँ, वो आप अपनी नजर पूरी करें और एक रात का इतकाफ करें। चुनाचे उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वो एक रात का इतकाफ किया। साबित ये हुआ मसनून बेहतर अफजल औला तो यही है कि 21वीं रात से लेकर चांद के नजर आने तक ये तमाम के तमाम दिन इतकाफ किया जाए। अलबत्ता अगर किसी का कोई आरजा था, उसको छुट्टियां का मसला है, दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली या कोई और बहुत जरूरी कामों में मसरूफ और मशगूल रहा, तो 2-3 गुजरे भी दिन गुजर भी गए हैं, तो आप वो पूरी नेकी को छोड़ना दे कि भी वो 2-4 दिन निकल गए हैं तो अब इतकाफ बैठने का क्या फायदा है। क्योंकि आम जेन यही पाया जाता है कि जो 21वीं को इतकाफ बैठे उसी का इतकाफ है, हालांकि ये बात नहीं। वो तो जितना पंजाबी में कहते हैं जितना गुड़ डाले उतना ही मीठा, वो तो जितनी इंसान मेहनत कोशिश करेगा, ज्यादा तेल लगाएगा, अजर सवाब उतना ही ज्यादा, मसनून तो वही है। लेकिन अगर किसी को आखिरी हफ्ते की छुट्टियां मिली हैं, 5 दिन की मिली है, 3 दिन की मिली है, तो भी
उसके लिए मौका है, वो मौके को गनीमत जाने, वो उतने दिन इतकाब बैठ सकता है। बहरहाल जितने दिन किसी को मौका मिल जाए तो उसके इतकाब ये बैठना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।